डंकी के डायरेक्टर ने विकी कौशल को नहीं किया था अप्रोच, विकी को कैमियो के मिले थे करोड़ों। बताया क्यों किया एसआर के संग काम। विकी कौशल एक के बाद एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आने वाली फिल्म बैड न्यूज की घोषणा की। उन्हें पहली बार शाहरुख खान के साथ डंकी में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने सुखी सिंह का रोल प्ले किया था। द वीक मैगजीन से बातचीत में एक्टर ने कहा कि वह संजू के बाद राजकुमार हिरानी के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विकी ने कहा, मैंने राजू सर से कहा कि अगर वह चाहते थे कि मैं किसी की निगाहों में ना आऊं, तो मैं ऐसा खुशी खुशी करूंगा। बता दें कि डंकी फिल्म में श्याम कौशल ने बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता डंकी में काम कर रहे थे और उन्हें पता था कि सुखी ये एक फायर सीक्वेंस था। ऐसे में मेरे पिता ने हिरानी से पूछा कि ये भूमिका कौन निभा रहा है, तो राजू सर ने कहा कि उन्हें विकी जैसा कोई चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी पेशकश नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि एक छोटी भूमिका है। आगे एक्टर ने कहा कि शाम को जब उनके पापा घर लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा कि मीटिंग कैसी रही। उन्होंने हिरानी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने अपने पिता से कहा, सचमुच अगले ही दिन मैंने राजू सर को फोन किया और उनसे कहा कि अगर इसमें मेरे जैसा कोई होना है तो मैं क्यों नहीं। मैं उस दिन उनके ऑफिस पहुंचा और स्क्रिप्ट सुने बिना ही हाँ कह दिया। आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी फिल्म 120 करोड़ में बनी है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैमियो रोल के लिए विकी कौशल ने मेकर से 12 करोड़ रुपए लिया था, जबकि शाहरुख खान की फीस 28 से 30 करोड़ थी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वायर टॉक को भी सब्सक्राइब करें।